राजनीतिक महत्वाकांक्षा में सलमान और करीना को चुनाव लड़वा रहे हैं। राजनीति में ख्याति पाने का एक सस्ता और खूब इस्तेमाल हुआ तरीका यह भी है कि आप किसी प्रख्यात व्यक्ति के नाम का सहारा लेकर ऐसी बात कह दें जिससे आपको सुर्खियां मिल जाएं। बीते दो दिनों में फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े कलाकारों को लेकर भी ऐसी ही खबरें आई हैं। पहले खबर आई कि करीना कपूर को भोपाल से चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है। उसके एक दिन बाद खबर आई कि कांग्रेस पार्टी में सलमान खान को चुनाव लड़ाने पर मंथन चल रहा है। सलमान खान और करीना कपूर का एक बड़ा प्रशंसक वर्ग है, इस वजह से इन खबरों को वायरल में होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। करीना और सलमान के चुनाव लड़ने की ये खबरें भोपाल और इंदौर लोकसभा सीटों के लिए आई थीं। हालांकि करीना की तरफ से इस खबर का खंडन भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें सिर्फ फिल्मों पर फोकस करना है और राजनीति में आने की बात बकवास है। सलमान की तरफ से अभी इसका कोई खंडन नहीं आया है, लेकिन बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवाब क्या आएगा। दिलचस्प ये है कि जब आप इस बात की जांच करेंगे कि जो नेता ऐसे बयान दे रहे हैं उनकी सियासी हैसियत क्या इतनी बड़ी है कि ये तय कर सके कि किसे चुनाव लड़ाया जाएगा, तो आप पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल करीना कपूर को भोपाल से चुनाव लड़ाने की मांग कांग्रेसी पार्षद योगेंद्र सिंह ने की है। योगेंद्र की करीना कपूर को भोपाल से चुनाव लड़वाने की मांग भले ही शीर्ष नेतृत्व तक न पहुंची हो, लेकिन इससे जो खबर बनी थी वो तो बन ही गई। सभी जगह खबरें चल गई और जिन योगेंद्र सिंह को शायद ही भोपाल के बाहर कोई जानता हो उनके नाम को देश के कोने कोने में लोग जान गए। इसके बाद सलमान खान के बारे में चुनाव लड़वाने की बात कहने वाले नेता भी इस स्तर के तो कम से कम नहीं जो सांसद की उम्मीदवारी तय करें, लेकिन उन्होंने भी बयान दिया और सुर्खियां बनी। ऐसा कई बार सुना जाता है कि अमुक नेता ने कह दिया कि फलां का सिर काट कर ले आओ तो करोड़ों का इनाम मिलेगा या ऐसी ही कोई दूसरी उलझुल बात। कई बार कुछ मौलवी भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। कई बार फतवे भी सस्ते तरीके से इनाम पाने की हसरत में जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन आखिरकार इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। सलमान खान या करीना कपूर ऐसे पहले कलाकार नहीं जिनके बारे में अफवाहें उड़ाई गई हों या जिनके नाम का सहारा लेकर प्रसिद्धि पाने की कोशिश की गई हो। हाल ही माधुरी दीक्षित को लेकर भी ऐसी ही बातें सामने आई थीं।